चंद्रायनकुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर पर एक मासूम लड़की के वालदा की जानिब से लगाया गया लापरवाही का इल्ज़ाम। तफसीलात के मुताबिक 7 माह के मासूम लड़की की खतना लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर सर्जन मोहम्मद बिन याहिया ने की थी, लेकिन 15 दिन से उस मासूम ने तकलीफ से दूध तक ना पिया। जब डॉक्टर से दोबारा रुजू हुए तो डॉक्टर ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए उन्हें घर लौट जाने को कहा। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एबीपी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मेरा नाम हैदर बागुलगा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बहन का लड़का है। 2 तारीख पिछले महीने में बच्चे की खतना कराए थे यहाँ पे। खतना होने के बाद 15 दिन हो गए आज को, 15 दिन के बाद बच्चे की स्किन रिंग 8 दिन में निकल जाता बोल के बोले थे, 8 दिन में रिंग निकल गया बच्चे की सुन्नत का। और क्या बोलते, खतना गलत हुई इनकी। आप थोड़ी देर पहले लेके आया मैं इनको, कल भी आया था मैं, इन नहीं थे यहाँ पे। कल आज 4 बजे तक आ रहा हूँ बोल के बोले, आज भी लेट आए उन्हों, आज मिला मैं इनसे आके, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे से गलत थी, गलती कुछ नहीं हुई, बच्चे की नॉर्मली ऐसी होती, वो 100% में से 5% बच्चों का ऐसा होती बोल के बोले। लेकिन जितने ही बच्चों की अब तक इन्हों करे किसके भी साथ नहीं हुई, हमारे बच्चे के साथ गैर जिम्मेदाराना काम हुआ हमारे बच्चे के साथ। और बोले तो फिर इन्हों खाली ईजी लाइट ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा एकदम लाउड वॉइस में बात कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं तो उसको कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं ले रहे हैं बच्चे की हमारे कंडीशन। बच्चे की स्किन जो थी पूरी वापस रिटर्न आ जा रही, बच्चे 8-10 दिन से बच्चा बगैर खाने के, बगैर दूध के था, बच्चा तकलीफ़ में था, बच्चा कुछ खा रहा नहीं था, फिर भी अब फिर उन्हें वही तकलीफ़ देना चाह रहे हैं बच्चे को, फिर से करते बोल रहे हैं कुछ, वो स्किन हटा के करके कुछ करते बोल रहे हैं उन्हों, फिर से वही तकलीफ़ दोहराना चाह रहे हैं उन्हों। एकदम ईजी ले ले रहे हैं, कुछ भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं है इनको। ऊपर से अगर आप आके बोल रहे हैं इनको तो उन्होंने अभी आवाज़ बड़ी निकाल के बात कर रहे हैं, मेरी गलती कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइट है, 15 दिन का टाइम लियो हो जाता, सुन्नत में फ़र्क आए बाद बच्चे सुन्नत में तनाव आने के बाद नॉर्मल हो जाती बोल के बोले। 15 दिन भी 15 दिन जाके 1 महीना हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया, अभी भी कुछ भी फ़र्क नहीं आया, बच्चे का जैसा नॉर्मल पहले जैसा रहता वैसी हो गई बच्चे की सुन्नत, पूरा स्किन हल्लू हल्लू वापिस आ जा रही और पूरी क्लोज हो जा रही बच्चे की सुन्नत, सिर्फ खाली यूरिन का जो होल रहता वो रह गया। आप लोगों को भी बताया मैं, अभी आप लोग भी देखे स्किन पूरी नीचे से वापस आ जा रही, ऊपर से बस खाली यूरिन का जो होल रहता वो रुके हुआ है बस। अगर और इन्हों बोले थोड़ा टाइम और दो बोल के बोल रहे हैं बच्चे को, अगर वो टाइम अगर और दिए तो पूरा क्लोज हो जाता, बच्चे को यूरिन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर और टाइम दिए तो। कितना खर्चा आया था खतना, कुछ कितना 2500-3000 तो कुछ खर्चा आया था, खर्चे का कुछ भी नहीं है भाई, खाली क्या है मालूम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये हॉस्पिटल में, और अपना जो इन्हों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी थी काम करने की उसके ऊपर उन्हों खादिम नहीं रहे और कुछ भी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे अपनी गलती, और क्या बोलते तो लाइट ले ले रहे हैं एकदम, कुछ भी कर लो। एक्चुअली रिसेप्शन पे भी बोला तो मैं, हाओ भाई ले लो आप एक्शन, क्या करते कर लो बोल के बोले कल भी मेरे को, रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे ठीक है भाई ले लो बोल के बोल रहे हैं, एकदम एकदम केयरलेस है पूरा हॉस्पिटल, कोई केयरिंग नहीं है हॉस्पिटल में, हर कोई इनका एकदम लाइट ले ले रहे हैं। एंड टाइम पे जब इनको बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आप थे ना ये टाइम पे, बोलता नहीं बोल के साफ हट जा रहे हैं, हमला नहीं थे भाई बोल के। उनके असिस्टेंट को भी बताया लेके आके तो उनके असिस्टेंट भी बोले थे कि हाँ भाई गलत हुई है इसलिए स्किन वापस आ जा रही बोल के बोले। बस तो 1 महीना पहले बच्चे की खतना हुई थी, जब भी बच्चा सिर्फ 5 महीने का था, 6 महीने का था बच्चा, जब जो तकलीफ़ दिए थे डॉक्टर साहब, चलो खतना हुई जब उठा लिए तकलीफ, अब फिर लेके आए तो फिर वही करते बोल रहे, अभी नया काम करते बोल रहे, स्किन को हटा के देखते बोल के बोल रहे हैं। सुने आप एकदम इतना ईजी बोले, कुछ भी ना होता आपके बच्चे को बोल रहे हैं, कैसा ना होता बोलिए, अब मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होती, बहुत ईजी से बोल रहे हैं, अम्मा कितना संभालती बच्चों को उनको नहीं मालूम, इतना ईजी से बोलते नहीं आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कहते कैसा नहीं होती, मेन पार्ट बच्चे का सुन्नत है वो बच्चे की,
हाँ, इतना छोटा बच्चा 5 दिन तकलीफ उठाया, ना दूध पिया ना कुछ, ना क्या, सिर्फ रो रहा था बच्चा, सुंद हो जा रहे थे उसके पहना, फिर वही तकलीफ देते पड़े डॉक्टर साहब, बोल रहे हैं अभी काट के देखते करते उन्होंने जरा वेट करेंगे, बोलेंगे वेट करे तक बच्चे को कुछ भी हो गया मेरे तो कौन देखते, बोला इससे पहले कितना वेट करे आप लोग, इससे पहले 5 दिन तक 6-8 दिन तक बोले रिंग हट जाती बोल के, चलो रिंग हटने के बाद हल्लू हल्लू चमड़ा बढ़ते जा रहा, देख रहे तो आके बोलने के बाद उन्होंने क्या बोल रहे हैं कुछ भी ना होता, बोल रहे हैं कैसा, बोलिए कितने दिन तकलीफ उठाए हमारा को मालूम, हम अम्मा है हम देखे बच्चे को, इतना ईजी से बोल रहे ना आपके बच्चे को कुछ भी ना होता, कैसा ना होता बच्चे को तकलीफ नहीं होती, इतना खून गया बच्चा इतना कमजोर हो गया था जब बच्चा, अब कुछ भी ना बोल रहे ना एक्सक्यूज दे रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम है थी स्किन में भी रहता बस बच्चों के, हम तो नहीं बनाते ना वो रिंगा करते, इन्होंने डॉक्टर को बोल के लेके आएंगे ना इनके पास, नहीं तो हम किधर भी लेके जाते थे, या डॉक्टर बोलते चलो अच्छा मैं इतना बड़ा सर्जन हूँ अभी मेरे को बोल रहा हूँ, इतने बड़े सर्जन से खतना नहीं होती क्या, बोलिए आप इतना ईजी लेके डॉक्टर यहाँ बोल रहे हैं मेरे को, और बच्चे की सुनत ऐसा खींच के पूरी ऊपर पूरा ऊपर ऊपर से खींच खींच के देखते जा रहे हैं, बच्चे को ये नहीं समझ रहे हैं बच्चा मासूम है सिर्फ 5-6 महीने का बच्चा है, कितनी तकलीफ होगी बच्चे को, कुछ भी ना होता कुछ भी ना होता, पता मेरे से कुछ भी ना हुआ, अगर हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते तो इतनी सब हम इतना मीडिया में आके बोलते थे, आप बोलिए नहीं नहीं बोलते थे हम, चलो भाई हो गई गलती बोल के छोड़ देते, झिड़कियों से बदतमीजी से बात करते क्या बोलो आप अपने पेशेंट्स के साथ, सिर्फ ये मकसद है हमारा, आज हमारे बच्चे को हुई तकलीफ दूसरे बच्चों को ये तकलीफ नहीं होना इनकी वजह से, ये है हमारे मतलब सुने आप, और जो मिसबिहेव कर रहे ना डॉक्टर यहिया उनको सबक मिलना चाहिए ये बात का, अब फिर करते करते थोड़ा टाइम लेके देखते नहीं पहले एक अलग तरीके से स्किन हटा के देखते करते कट करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ ना यहीं से, जब भी उन्होंने स्टेबल के लेके आए थे ना, अब फिर उन्होंने शर्त करते जब तक मैं देखूँ मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो बल्कि सिर्फ 6 महीने के बच्चे को मैं इतना इनके हाथों में दूँ, फिर से बोलिए आप इतनी तकलीफ उठाने के वास्ते, इतना इजीली बोलते कोई डॉक्टर्स नहीं बोलते, रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं मैं, मेरी गलती अगर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करते तो फिर भी मैं तकलीफ जाने दो भाई, उनका भी करियर से बल्कि सो सकते थे हो गया।